सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोसे का बैटर निकल रहा है और ये बना रहे हैं मिस्टर वाजपेयी हमारे एनिवर्सरी के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट दैट इज़ डोसा। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया एंड ये खीरा जो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, तो ये पूरी तैयारी है। उन्होंने बोला कि आज मैं बनाऊँगा, ये है अमूल का सफ़ेद मक्खन। तो बस धीरेज वाजपेयी यहाँ पे तैयारी पूरी कर रहे हैं डोसे की। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 8th of December, आपने देखा हम चाय पी रहे थे साथ में, तो आज है हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी। और क्या करेंगे, मैं अभी हाफ तैयार हो चुकी हूँ, लाइक मैं नहा चुकी हूँ, कपड़े पहन चुकी हूँ और अब सोच रही हूँ पूजा कर लूँ। बट अभी फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ कि धीरेज जी क्या कर रहे हैं और आज का प्लान क्या है क्या नहीं है, वो सब तो देखेंगे बाद में डिसाइड हो, ऑलरेडी बहुत घूम चुके हैं तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। डिनर या लंच बाहर करेंगे। ये रहा रिदांश, कह रहा मुझे दिखाओ। और फिलहाल मैं दिखा रही हूँ धीरेज जी क्या कर रहे हैं। दिनेश जी आज बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में डोसा, और ये बन रहा है डोसा का वो मसाला। और ये रहे मिस्टर धीरेज जी। हेलो धीरेज जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, क्या बना रहे हो? देखो यार क्या बना रहा हूँ। तो ये बन रहा है डोसे का आलू, फिलहाल तो बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है और बाद में बेकार दिखेगा। नहीं बिल्कुल अच्छा रहेगा, आप अच्छा बनाते हो। और आपको दिखाऊं, ये है डोसे का बैटर, ये हमारा डोसे का तवा जो कि हमें गिफ्टेड है, मम्मी ने गिफ्ट किया था आगरा से और बनेगा फिलहाल डोसा। और आलू तैयार है ऑलमोस्ट, ये कटी है धनिया, ये धीरेज जी लेके आए थे अमूल का सफ़ेद मक्खन। तो धीरेज जी क्या है आज ब्रेकफास्ट में, डोसा और चटनी? चटनी कहाँ है, चटनी बनाओ। ओके तो चटनी मैं बन, और पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और मैं फिलहाल मैं करूँगी पूजा, और मेरे पीछे निदानश भी आ रहा है, और उसके बाद मैं अपने दिन का प्लान करूँगी। डोसा कैसे बनता है सब आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में और हमें कमेंट सेक्शन में एनिवर्सरी विश कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो डोसा बनने को तैयार है, तवे पे जाने को तैयार है ये हमारे डोसा मैन यानी कि मिस्टर धीरेज वाजपेयी। अपनी शादी की 5वीं सालगिरह पे बना रहे हैं डोसा। बैटर आप देख ही सकते हैं, किचन थोड़ी फैली हुई है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है इस वजह से। यस बेबी, इनोवा अंदर है। और ये रहा हमारा टेम्पटिंग सा आलू। मैंने गाइस कुछ भी किया है, कुछ भी नहीं, जो किया है वो धीरेज जी ने ही किया है। और जो किया है धीरेज जी करे, अब आप देख सकते हैं ये बनने जा रहा है हमारा डोसा। तो मैंने ना बैटर की कंसिस्टेंसी देखी है, कुछ भी नहीं, वो सब धीरेज जी कर रहे हैं। और आलू अच्छा बना है, आलू का स्वाद सीरियसली बहुत अच्छा है। उसमें ना जो हमने पेस्ट डाला है, शायद लहसुन अदरक का धीरेज जी डाला है क्या, बहुत अच्छा है। और आलू इज गुड। हेलो दीदी, क्या खा रही है? डोसा और चटनी धीरेज जी के हाथ की बनी हुई लो जैसी भी है मिल गई है, मिल गई। हाँ तो एक्चुअली आपने सबने देखा ही कि धीरेज जी ने डोसा बनाया था, तो अंकिता दीदी को भी इनवाइट किया गया है और यहाँ पे दीदी को बैठा दिया गया है। सारी डोसे का आलू बहुत अच्छा बना, थोड़ा ऊपर वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है, मोटा है। हाँ पर आलू बहुत टेस्टी बना, बैटर ही गड़बड़ है। और अब धीरेज जी बना रहे हैं मेरे और अंकिता दीदी के लिए चाय, है ना धीरेज जी? कौन सी चाय?
मोदी चाय। एक बार रेसिपी बता दो सबको, सब ट्राई कर लेंगे। तुमको तो बता ना पाया आज तक रेसिपी, सबको क्या बता तो दे? सबको बता दो यार, सबको क्या बता दे? आपको तो बता सब पाया, जरूरी पाया। सब मेरी तरह नहीं होते ना, सब लोग कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं तुरंत। नहीं सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम निकल चुके हैं निकलने वाले हैं अपना। थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं बाहर चले जाएं। हेलो रिदांश, थोड़ा सा बाहर कुछ निकलते हैं, देखते हैं लंच करेंगे डिनर करेंगे क्या करेंगे, बस अब सोचा कि निकल लेते हैं। तो बस मैंने बहुत सिंपल सा आउटफिट पहना है क्योंकि ऐसी कुछ खास शॉपिंग मैंने करी नहीं थी, बिकॉज अभी शादी में आप लोग ने मालूम ही है, तो बहुत ही सिंपल सा मैंने जीन्स पहन लिए, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा मैंने आउटफिट पहना है। आपको दिखाती हूँ, फोकस नहीं ले रहा है कैमरा। कैमरा फोकस नहीं ले रहा, तो बहुत सिंपल सा मैंने ये अपना एक स्वेटर पहना है और टॉप एंड नॉर्मल जेगिंग्स, कुछ ऐसा खास नहीं किया है। और दानशु खाना मैंने खिला दिया, आप मैं दिखाती हूँ यहाँ पे अपने आपको, कुछ ऐसा बहुत ग्रेट नहीं किया है सिंपल ही पहना हुआ है। तो बस अब चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं, आपको रखूंगी अपने साथ। आखिरकार 5th वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी, कोई प्लान नहीं है, बस जा रहे हैं घूम के आते हैं, थोड़ा ऐसे भी कभी का घूमना भी चाहिए ना। हाँ बेबी, घर से निकलते हैं। हमने वैसे डोसा ही खा के निकले थे हम, तो हम निकल चुके हैं। तो धीरेज जी को भूख लग रही, तो हमने फिर मैकडी पिक किया है। यस बेबी, और ये है रिदांश, हाँ क्या खा ला है, और ये धीरेज जी भी। सो बस हम जा रहे हैं, तो अब हम शेयर करके खा रहे हैं बर्गर। मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हमने एक बर्गर में से हाफ ले लिया है, तो बस चलते हैं। ओके तो गाइज, ये है मेरे लिए सरप्राइज़ मेरे लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मेरा 5th वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट है। तो बैकग्राउंड देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि ये एक होटल का रूम है। जी हाँ, ये एक होटल है, हम स्टेकेशन करने आए हैं। तो धीरेश ने मुझे घर से निकलने से पहले ही बोल दिया था कि एक सेट कपड़े रख लेना, और मुझे बता दिया था कि हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और लेट्स सी अगर रास्ते में मूड चेंज हुआ या नहीं मन करा तो हम वापस भी आ जाएंगे डिनर वगैरह करके। तो फिर जब हम गए वहाँ, हमने डिनर किया, तो ये हुआ कि चलो रुक ही लेते हैं, मतलब डिनर इसके बाद जाएंगे। हम होटल में एंट्री करते टाइम ही डिसाइड हो गया था कि हम यहाँ पे रुकेंगे ही रुकेंगे, तो ये धीरेश की तरफ से था। तो आप अभी, मैं फ़िलहाल यहाँ पे आ गई थी और शाम हो गई थी, या डिनर करने से पहले मैं रिदांश के लिए यहाँ पे दूध वगैरह बॉईल कर रही थी। तो यहाँ पे छोटा सा किचन टाइप का था जिसमें माइक्रोवेव केटल सब कुछ होती है। तो बेसिकली मैं यहाँ रिदांश के लिए दूध गर्म कर रही थी, एंड देन उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने के लिए। तो पीछे धीरेश और मैं कुछ बात कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा सा रूम था, कोजी सा रूम था, एंड देन हम डिनर करते हैं और काफ़ी अच्छा डिनर था। तो मैंने अपनी इवनिंग बहुत अच्छे से इन्जॉय करी। अब थोड़ा बहुत आपको भी
दिखाऊंगी इसके बाद, लाइक मेरे कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और मैं आपको बहुत जल्दी एक व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मुझे वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट्स क्या क्या मिले हैं। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं इस बार, कौन दिया है, क्या दिया है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको देखना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये दृश्य लाइट देख रहे हैं, थोड़ी अलग टाइप की कुछ लाइट थी, नहीं आई थिंक एसी का टेम्परेचर सेट कर रहे थे। तो बस चलिए चलते हैं, या फटक फटक पहले हम डिनर करेंगे, रिदांश को दूध पिलाऊंगी एंड देन डिनर करने चलते हैं। चिप्स अभी है नहीं, पापा से ओपन करो। हॉलीडे इन में मानेसर में हमें हमारे रिजॉर्ट में जगह नहीं मिली। हम गए थे हेरिटेज स्पा में रिजॉर्ट में, बट वहाँ पे जगह नहीं मिली, तो हमने नियर बाय एक होटल है हॉलीडे इन, इसमें चेक इन कर लिया। अब यहाँ पे बूफे है डिनर, तो हम बूफे में बैठे हुए हैं, क्या करते हैं यही किया हमने, बट अच्छी डील मिल गई, बहुत सस्ता मिल गया। तो हाय हेलो दांश, क्या खा रहे हो? अच्छा है, यमी यमी। दिनेश चिली पनीर आ गया आपका। क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो? दोनों लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? ये आया पास्ता, ये मैं ली थी अपने लिए गाजर का हलवा, और ये आया चिली पनीर, और ये रहे रिदांश और धीरेश जी। क्या गए थे, क्या करने गए थे? ये हो रहा, प्यार हो रहा है पापा के लिए। गाने लग, फिर गाना लगवा के आया अपना। अच्छा वो लगी, अरे वो यूएसबी लगी होगी। अच्छा सो अभी हम डिनर करने आए हैं, और थोड़ा बहुत करें मुँह पे, थोड़ा थोड़ा करके खा रहे और बस एंजॉय कर रहे हैं। ऑल इन वेज, नथिंग इन नॉन वेज, बिकॉज हम लोग भी आर वेजिटेरियन, नॉट इवन एगिटेरियन, ओनली वेजिटेरियन। तो काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन है स्टार्टर्स और फूड वगैरह, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, टाइम भी काफ़ी है, तो हम सोचा आराम से एंजॉय कर लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। बूफे में सबको टेस्ट कर लो तो ही मज़ा आता है। नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं तू